एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित बिजोपुरा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान नीता रानी हैं। लगभग 2200 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 17 किलोमीटर ही है। लगभग 1559 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 108 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 21 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, 3 खडंजे, जूनियर हाई स्कूल का गेट, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 111 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसीटाइज रोड, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, बारात घर, पशु चिकित्सालय, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान बिजोपुरा, गांव बिजोपुरा, ब्लॉक सदर, जिला मुजफ्फरनगर। अपने गांव में इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कार्य करा, 111 शौचालय बनवाए प्रधानमंत्री योजना से, विभिन्न स्थानों पर 10 सोलर लाइट लगवाई और आरसीसी सड़कों का निर्माण करा, 3 सड़कों का, 3 खड़ंजे लगवाए, 10 चैनल लगवाए, तालाब की दीवार की मरम्मत करवाई, तालाब का जो घाट है उसकी मरम्मत करवाई, स्कूलों में वॉल पेंटिंग करवाई, प्राइमरी स्कूल में खड़ंजा निर्माण और सीसी कार्य वो सब करवाया, जूनियर हाई स्कूल का गेट बनवाया। मांग है केंद्र सरकार या और राज्य सरकार से, स्वास्थ्य केंद्र की, आंगनवाड़ी केंद्र की, बारात घर की, पशु स्वास्थ्य केंद्र, पीडब्ल्यूडी की सड़क की चौड़ीकरण। पीडब्ल्यूडी की सड़क औसत निर्माण हो गया था उसका, एक गन्ने से सड़क बनी 1.5 किलोमीटर की चौड़ीकरण की, गांव में अंदर पानी की टंकी के मांग है। क्षेत्रफल में तो ज़्यादा है गांव, वोटिंग कम है तो पैसा कम आता है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए गांव में और साफ सफाई, और वह तो हम कराते ही रहें साफ सफाई गांव में अपने स्तर से।